हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज के मिनी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है किचन से। तो किचन से इसलिए हो रही है, तो फर्स्ट मैं आपको बता दूं, काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट्स करते हैं आपको पूरे दिन वीडियो शूट करने के अलावा कुछ काम नहीं है क्या। तो सबसे पहले मैं उनको ये बता दूं कि मुझे पूरे दिन वीडियो शूट करने के अलावा बहुत सारे काम रहते हैं। मैं जर्मनी में रहती हूँ, मेरे पास यहाँ पर कोई मेड नहीं है, यहाँ पर सारा काम मैं खुद करती हूँ। चाहे सफाई हो, चाहे झाड़ू पोछे हो, चाहे बर्तन हो, चाहे खाना बनाना हो, चाहे फैमिली को देखना हो, सब कुछ ही मैं खुद करती हूँ। जिस टाइम मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं उस टाइम पीछे से मैं अपने क्लाइंट्स को अटेंड करती हूँ, अपना वीडियो शूट करती हूँ, अपने किचन का काम निपटाती हूँ, खाना बनाती हूँ कि बच्चों के आने के बाद उनको खाना देना है, हस्बैंड को खाना देना है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे कमेंट्स मत कीजिए कि आपको पूरे दिन वीडियो शूट करने का काम है क्या। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, पूरे दिन वीडियो शूट करने का काम मेरे पास नहीं है, मेरे पास पूरे दिन के बहुत सारे काम है। और सब कुछ आप पर डिपेंड करता है कि आप अपना पूरा दिन कैसे मैनेज करते हैं। मैं काफ़ी अर्ली उठती हूँ, अर्ली उठ के अपना सारा काम निपटाती हूँ, बच्चे स्कूल जाते हैं, उसके बाद मैं अपना वीडियो शूट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना टाइम टेबल किस तरीके से सेट करते हैं। मैंने अपना टाइम टेबल बहुत अच्छे से मैनेज कर रखा है। अगर आप जल्दी उठते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपके सारे काम बहुत अच्छे से सेट होते हैं, बहुत अच्छे से निमट जाते हैं। तो फ्रेंड्स, पूरे दिन वीडियो शूट करने के अलावा मैं क्या क्या करती हूँ आप देख सकते हैं, और बहुत जल्दी मैं आपको ब्लॉग्स बना के शेयर करूँगी, उसमें आप देख सकते हैं कि पूरे दिन का मेरा रूटीन, पूरे दिन का मेरा शेड्यूल कैसा रहता है, क्या रहता है। मैं सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मेरा फुल ऑन पैक शेड्यूल है, मैं फ्री नहीं हूँ बिल्कुल भी। मुझे अपने क्लाइंट्स भी अटेंड करने होते हैं, बच्चे भी देखने हैं, वीडियो शूट भी करना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पूरे दिन का मेरा कितना बिजी शेड्यूल है।